हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ओनली वन डे टू गो फॉर डंकी मेनिया। जी हाँ, डंकी को रिलीज होने में अब केवल और केवल एक दिन। कल डंकी रिलीज हो रही है। इस टाइम पर हम लोग सब लोग तैयारियां कर रहे होंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की। तो एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंची है? आज लास्ट एंड फाइनल डे ऑफ एडवांस बुकिंग है। आज के दिन पर हमको क्या पेस एक्सपेक्टेड है और क्या पेस चल रहा है बुक माई शो पर, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या कल रात से अब तक में चेंज आया है एडवांस बुकिंग का। तो मैं आपको बता दूं, डंकी को लेकर एक्साइटमेंट न्यूट्रल ऑडियंस में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इट्स अ फैमिली मूवी, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आराम से देख सकते हो। और ये वो टाइम होता है ना, जो क्रिसमस का टाइम या मतलब ईयर एंड का जो टाइम होता है, इस टाइम पर वी नीड हार्ट वार्मिंग स्टोरीज। एक दिल को छू लेने वाली कहानियां जो है उनका इंतजार रहता है, और वो डंकी में हमारे को साफ नजर आ रहा है। स्पेशली आफ्टर द राजकुमार हिरानी इंटरव्यू जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि क्या चीजें क्या बातें हमारे को बताई गई थी। उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब बॉस बस ऑडियंस वेट कर रही है कल का। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इन टर्म्स ऑफ शो काउंट्स डंकी इज डूइंग वंडर्स। अगर मैं आपको इस टाइम पे बताती हूँ ना शो काउंट्स, मैंने आपसे कल कहा था कि अब डंकी के शो काउंट्स बढ़कर काफी ज्यादा होने वाले हैं। और यूजुअली हम शाम तक देखते हैं फिल्म के रिलीज होने से जस्ट पहले, शाम तक देखते हैं कि भाई 15,000 तक शोज जो है इजिली हो ही जाते हैं। इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं, शो काउंट जो है ये बढ़कर कल कितने थे, 10,000 11,000 पे थे। इस टाइम 12,607 शोज जो है ये डंकी के पास है ऑलरेडी। सिंगल स्क्रीन में धमाका चल रहा है, हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको ये बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कि किस शहर से कितनी एडवांस बुकिंग आई है अभी। दिस इज एज ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, सुबह की 6 बजे की रिपोर्ट है ये। दिल्ली एनसीआर में अभी तक एडवांस बुकिंग जो है ये हो चुकी है 1.55 करोड़। इट इज अ ह्यूज नंबर। दिल्ली एनसीआर से ये नंबर इजीली आता ही नहीं है, करोड़ से ऊपर बहुत मुश्किल से जाता है। और मुंबई से भी अनदर 1.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। शो काउंट्स दिल्ली में 1,291, मुंबई में 1,000 शोज है। अगर पुणे की बात करें 408 शोज है, बैंगलोर 826 शोज, हैदराबाद 547 शोज फ्रॉम हैदराबाद, कोलकाता 371 शोज, अहमदाबाद 556 शोज, चेन्नई 184 शोज, सूरत 312 शोज, जयपुर 193 शोज, चंडीगढ़ 178 शोज, भोपाल 84, लखनऊ 257 शोज। ये है शो काउंट्स, और इसके बाद बाकी शहर जो है ऑफ कोर्स वो ऐड होने वाले हैं। लेकिन अभी तक की एडवांस बुकिंग हमारे को क्या नजर आ रही है, अब भाई साहब एडवांस बुकिंग में अच्छा बड़ा अच्छा खासा चेंज जो है वो नजर आया है। इनफैक्ट अभी इसके अलावा जो मैं आपको विद विदाउट ब्लॉक सीट्स वाला बताऊंगी, उसमें आप देखना क्या जबरदस्त तबाही चल रही है। सो भाई हिंदी 2D वर्जन में ऑफ कोर्स देयर इज जस्ट वन वर्जन, हिंदी 2D वर्जन डंकी की एडवांस बुकिंग एज ऑन 20th ऑफ दिसंबर मॉर्निंग हो चुकी है 10.25 करोड़। 3.6 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, 264 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस एंड 12,607 शोज। तो जैसे कि भाई अगर अभी हम इसको जवान और पठान के बारे में अगर सोचें इस वक्त पे, भाई जवान और पठान ने क्या नंबर्स किए थे। जवान और पठान का देखो यार, हम इसीलिए नहीं कंपेयर कर सकते, एक तो वो सोलो रिलीजेस थी, जवान पठान बोथ वर सोलो। यहाँ पर डंकी एक सेमी क्लैश में आ रही है, पहला फैक्टर ये है। और दूसरा फैक्टर ये है, दिस जॉनर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर जवान और पठान की हम बात करते हैं, वो एक्शन जॉनर की फिल्में थी जिनको एक्शन को लेकर मासेज में काफी वो रहती है एक्साइटमेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर रोम कॉम यू नो मूवी विच इज समथिंग काइंड ऑफ अ फैमिली ड्रामा। तो ये जो मूवीज होती है, ये चाहे एडवांस बुकिंग इस वक्त जितनी भी दिखाए, लेकिन आगे चलकर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये कलेक्शन ऐसी धाकड़ वाली करती है ना, बॉक्स ऑफिस हिल जाता है ऐसी फिल्मों से। ठीक है, सो अभी डंकी की रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट जो है, दिस इज एज ऑन, आप मैंने अभी रिफ्रेश करी है, दिस इज एज ऑन कह सकते हो। अच्छा, ये अभी पूरी रिफ्रेश नहीं हुई है, लेट मी टेल यू। मुझे लग रहा था कि ये भी अभी 6-6:30 बजे की रिफ्रेश होकर के आ गई होगी। लेट मी टेल यू, अभी तक जो लास्ट अपडेटेड टाइम आ रहा है इसका, दिन दो रात के 1 बजे का आ रहा है, 1:51 AM। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसमें ये जो है चेंज आ गया होगा। तो चलो एनीवेज, रात का भी जितना चेंज आया है वो मैं आपको बताती हूँ, वो भी अभी काफी फिनोमिनल सिग्निफिकेंट नंबर आ चुका है। तो दैट मींस थोड़ी देर में जब मैं आपको और रिपोर्ट बताऊंगी ना, तब तक ये अपडेट हो चुकी होगी। इस वक्त पर महाराष्ट्र इज टॉपिंग द एडवांस बुकिंग टॉप स्टेट, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, केरला, बिहार, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, सारे के सारे स्टेट्स इसी ऑर्डर में आ गए। ठीक है, इसी के साथ इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स की एडवांस बुकिंग डंकी की हो चुकी है एज ऑन 20th of December मॉर्निंग 1 AM हो चुकी है 12.94 करोड़। ठीक है, 12.94 करोड़ हो चुकी है। ऑक्यूपेंसी 15.2%, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट 4.84 लाख टिकट सोल्ड आउट। विदाउट ब्लॉक सीट्स की अगर हम बात करें तो भाई जो मैंने अभी आपको नंबर बताया 10 करोड़ का, वही इसके आसपास ही है। शो काउंट्स यहाँ पर 13,256 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 605 आर फिलिंग फास्ट एंड 73 आर हाउसफुल। अब जाकर देखें
बुक माई शो पर दिल्ली एनसीआर में क्या चल रहा है? भाई दिल्ली एनसीआर का बुक माई शो जो है, अभी मुझे दिख रहा है मॉर्निंग एंड नाइट शो जो है ये हाउसफुल चल रहे हैं। इनके अलावा सिंगल स्क्रीन, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से सबसे बड़ा नाम कौन सा है जिसको हम लोग अक्सर ही ट्रैक करते हैं, जिसके बारे में बात करें, दैट इज डिलाइट सिनेमा आसफ अली रोड। ये पूरा का पूरा जो है ये हाउसफुल हो चुका है एज ऑन अभी, जस्ट मैंने अभी देखा है। इसमें हिंदी 2D वर्जन के अलावा एक ICE वर्जन भी डंकी का अवेलेबल है, बट मुझे लगता है उसके बहुत ही गिने चुने चुनिंदा शोज होंगे। ये देखो डिलाइट सिनेमा का हाल, ये है डिलाइट सिनेमा, दिन 12 बजे की अगर मैं देखती हूँ, ये देखो दिस इज डिलाइट सिनेमा, और इसमें अभी हाउसफुल हो चुका है। तो अभी आप देखना आगे चल करके ये नंबर जो है ये कितना बढ़ेगा, और इनफैक्ट जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, आईनॉक्स, ये नेशनल चेन्स है, यहाँ से जो है एक्चुअल रिस्पॉन्स आएगा आज दोपहर के बाद। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जो 1 AM की रिपोर्ट है ये अपडेट हो, ताकि पता चले कि अभी इस वक्त मॉर्निंग में क्या बड़े चेंजेस आए हैं। मुझे लगता है जो मैंने आपको अभी मॉर्निंग दूसरी वाली जो सेकंड वाली जो रिपोर्ट बताई है वो काफी एक्यूरेट नंबर जो है कर चुकी है डंकी। सो व्हाट डू यू हैव टू से, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है डंकी की एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंच सकती है, और आप कितने एक्साइटेड हो कि आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो करवा रखा है? मैं तो करवा रखा है। आपने करवा रखा है और कहाँ पर करवा रखा है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।